सबसे पहले जरा सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 41 में शेयर कैपिटल दिख रहा है, बस इतना बताओ बेटा शेयर कैपिटल कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग में या फाइनेंसिंग में? फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट पॉइंट बेटा रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है, बेटा इसको हम कहां यूज करते हैं? जनरल रिजर्व कहां यूज करेंगे बेटा इसको? ऑपरेटिंग में आएगा और उसका नाम क्या लिखेंगे हम? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, याद आया सबको? सो दैट इज द पॉइंट ना, कि अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट जो होगा वो उसी का पॉइंट है ये, ठीक है? ओके, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ये कहां पे यूज होगा बेटा? फाइनेंसिंग। और इस पे जो 12% का इंटरेस्ट देना है वो कहां यूज होगा? कहां पे? और इंटरेस्ट पे करते हैं कहां कहां जाता है? दो जगह, नहीं बेटा ऑपरेटिंग में ऐड नहीं करते थे, फॉर्मेट में पैर नहीं किया अभी तक। ओके, करंट लायबिलिटी में बेटा ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज दी हैं, तो करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कहां करते हैं? ऑपरेटिंग में। देन बेटा नॉन करंट एसेट में टैंजिबल एसेट है, टैंजिबल एसेट की वैल्यू कहां जाएगी? कौन सी एक्टिविटीज में? इन्वेस्टिंग। और एक बात बताओ, इनटैंजिबल एसेट में जो गुडविल है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, और बेटा अगर इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? और बेटा वो जाएगा कहां? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है? एंड बेटा करंट एसेट्स में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग में। एंड देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कैसे यूज करेंगे ये मैं बताऊंगा। सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आई नॉट सेइंग कि आप पूरा आंसर बताओ, अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। शुरू करो बेटा क्वेश्चन नंबर 41, एक स्टार्ट आप लोग करें फिर मैं बताऊंगा आप लोग को। जल्दी जल्दी शुरू करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी से। नहीं सरप्लस नहीं किया बेटा, जो जनरल रिजर्व का डिफरेंस है दैट विल बी द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। जल्दी जल्दी सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए बोल रहा हूं मैं आप लोग को, अपने हिसाब से आप लोग को जहां जहां जो जो आइटम्स लग रहे हैं उसको पोस्ट करते जाओ जरा। शुरू करूं बताना, अगर बोलो तो मैं एक क्वेश्चन पूरा करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर तुम लोग करना चाहो जैसा बोलो। अच्छा अटेम्प्ट करोगे? एक सेकंड दो बस मेरे को जरा, ठीक है।
नंबर 41, जल्दी से 2 मिनट और दे रहा बेटा आप लोग को। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मिनट टू गो। अभी ऐसे याद तो नहीं मेरे को, सॉल्व करके बता पाऊंगा। करो करो करो। शैल वी स्टार्ट? कुशाग्र, वैभव, जशन, बोलते हो? मैं कर रहा हूं। अवनी, मांशु, मयंक, सुनेहा, सार्थक, शिविका, वैभव, क्या बोलते बेटा? अदिति, कराऊं मैं? हाँ, सोच ही रहा था कोई यस तो बोले। चलो ठीक है। तो सेंस एक क्वेश्चन है। ओके बेटा, एक क्वेश्चन है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तो पहले एक क्वेश्चन तो मैं आप लोग को करवा रहा हूं। ध्यान से देखना कि मैं कैसे करा रहा हूं, क्या फॉर्मेट यूज कर रहा हूं, कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं। प्रॉपरली आप लोग को उसी तरीके से आगे फॉलो करना होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक तरीका होता है, सबसे पहले तो आप लोग को यह आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से आइटम कहां कहां जाएंगे, जिसको मैंने आप लोग के सामने डिस्कस कर लिया। हम स्टार्ट करेंगे इसको प्रेजेंट करना। सबसे पहले जरा फॉर्मेट बना लेते हैं। सो ये फॉर्मेट बना हमारा। लाइनें मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, आपकी नहीं होनी चाहिए। यहां आएगा पर्टिकुलर्स, देन यहां पर आएगा बेटा आपका, और ये आएगा, ठीक है? इसको हम बोलते हैं डिटेल्स और इसको हम बोलते हैं अमाउंट। बेटा जो भी प्लस माइनस होते हैं वो डिटेल्स में होगा, देन बाकी सारा फाइनल अमाउंट अमाउंट में जाएगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज बेटा, आप लोग को दिख रहा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, दिख रहा है सबको? रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है सबको? ओके, बोलो बोलो। टैक्स नहीं दिया बेटा तो जीरो। सो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है आपको 50 और 70, यानी पहले 50,000 का था, अभी 70,000 का है। बेटा आपके रिजर्व बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस? बेटा प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम इज 20,000, ठीक है? हमने डिटेल्स में यहाँ पे 20,000 लिख दिया। देन बेटा हमें गिवन है 12% डिबेंचर, तो मतलब बेटा डिबेंचर पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट पे करना है, और 12% कौन से बैलेंस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। ओपनिंग वैल्यू कितनी है भाई? 1 लाख रुपीज, ठीक है? तो 1 लाख का 12% यानी 12,000। तो बेटा इंटरेस्ट पेड ऐड करते हैं या माइनस करते हैं? ऐड करते हैं। तो इंटरेस्ट पेड 12,000 हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। चलो ठीक है। देन बेटा इसके बाद और कुछ गिवन है? नहीं, एक और चीज गिवन है, अमोर्टाइजेशन। जरा देखो, गुडविल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि नहीं इंटेंजिबल एसेट में, और हम उसको क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन। तो उसको भी कैसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अमोर्टाइजेशन 8,000, वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एक बार बताओ, और कुछ आइटम बचा बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले, और कोई आइटम बचा? है बेटा? बचो? नहीं बचा। ओके बेटा, हम इसे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड क्लोजिंग
सॉरी नेट प्रॉफिट हो, कुछ भी लिख रहा हूं मैं, इसे हम लिखेंगे बेटा नेट प्रॉफिट, नेट नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्चुअल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 20 प्लस 12, 32 प्लस 8, 40,000। अब नहीं समझ में आया? ठीक है। देन बेटा करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट? करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐड। तो बेटा फिर से ऐड, हम लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने से इंक्रीज हो गया, 1 लाख रुपीज से। ठीक है। एंड बेटा अदर करेंट लाइबिलिटी पहले 25,000 की थी, अभी 20,000 की हो गई, प्लस करेंगे या माइनस? माइनस। ओके हम इधर लिखते हैं बेटा सब्ट्रैक्ट डिक्रीज इन अदर करेंट लाइबिलिटी, कितने से हुआ डिक्रीज भाई, 5,000 से। ठीक है। देन बेटा करंट एसेट में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दोनों की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और बेटा अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो। तो इंक्रीज इन ट्रेड, क्या क्या था, इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, तो इन्वेंट्री और इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई 20 से और वो भी 20 से। ओके अब ये बताओ यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? बेटा जी सबको समझ में आया? ओके ठीक है। तो अब हम इसके अलावा और कुछ टैक्स वगैरह तो गिवन नहीं बेटा, आंसर देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, 140 140 माइनस 45 95, पॉजिटिव आ रहा है, हम मेंशन करेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 95,000 रुपीज। क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? अदिति क्लियर है? हिमांशु, जशन, कुशाग्र, मयंक, सुनेहा, सार्थक, शिविका, वैभव, क्लियर है? ओके गुड। ठीक है हम आते हैं बेटा सारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको एक ही आइटम दिख रहा है और वो है टैंजिबल एसेट का, टैंजिबल एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इज इट इनफ्लो और आउटफ्लो? आउटफ्लो। हाँ, और अगर आउटफ्लो है तो हम उसे क्या मेंशन करेंगे बेटा? अच्छा ध्यान रखना ये फॉर्मेट कंटिन्यूएशन में रहेगा, आपको अलग से फॉर्मेट नहीं प्रिपेयर करना है, जो ऑपरेटिंग वाला भी आपने फॉर्मेट प्रिपेयर किया था उसी के कंटिन्यूएशन में। आप यहां लिखोगे ऐसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिंस उसके अंदर एक ही आइटम है, आप उसको ऐसे शो करोगे प्लस, या फिर आप उसको ऐसे लेस लिख सकते हो और मेंशन करोगे परचेज ऑफ इनटैंजिबल एसेट, सॉरी परचेज ऑफ टैंजिबल एसेट। और बेटा वो कितने से परचेज हुआ है, 3 से 4 लाख 10, तो 1 लाख 10,000। और कुछ तो है नहीं, यही सीध अभी बात तो आंसर माइनस में आ रहा है, क्या लिखेंगे? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो भी कितना, 1 लाख 10,000। अब ये बताओ सारे बच्चों को यहां पे भी क्लियर है? अब शिविका, सार्थक, सुनेहा, मयंक, कुशाग्र, जशन, हिमांशु, अवनी, अनन्या, अदिति, ओके ओके। अच्छा अब आते हैं जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो सबसे पहले हम यहां पे एक बार लिख देंगे ऐसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हमने ऐसे लिखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यहां मेंशन करेंगे अब हम सबसे पहले शेयर कैपिटल, बेटा शेयर कैपिटल 2 से 2,50 हो गया,
इंक्रीज हो रहा है, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? हाँ, तो उसे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। सो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हाउ मच? 50,000। ठीक है। दूसरी चीज, नॉन करेंट लाइबिलिटी में बेटा, डिबेंचर पहले 1 लाख के थे, अब 80,000 के हो गए, इनफ्लो या आउटफ्लो? और उसको क्या मेंशन करेंगे बेटा, किस नेम से? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा इंटरेस्ट पेड दो जगह ट्रीट होता है, एक तो ऑपरेटिंग में प्लस होता है, दूसरा फाइनेंसिंग में। प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट पेड फाइनेंस, हाँ माइनस करते हैं। सो इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर माइनस होता है और ऑपरेटिंग के अंदर प्लस होता है। ओके ठीक है। और क्या बचा भाई? और तो कुछ भी नहीं बचा। पहले बताओ सारे बच्चों को यहां तक समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ सारे बच्चों। आदिति, सुनेहा, मयंक, शिविका, बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी लास्ट क्लास में करवाया था। ये हो गया आपका 18,000। ठीक है। ओके सारे बच्चे क्लियर है भाई? ये लो भाई तुम्हारे लिए ऑपरेटिंग शो कर दिया हमने। अब इसके बाद एक लास्ट स्टेप बचता है, वो बताता हूं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो फाइनल आंसर आया बेटा, उसको एज्यूम करेंगे ए। कैश मतलब इन्वेस्टिंग का फाइनल आंसर जो आया उसको एज्यूम करेंगे बी, और फाइनेंसिंग का जो फाइनल आंसर आया बेटा उसको एज्यूम करेंगे सी। तो नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और ये एक ऐसा चीज होगा बेटा जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो आंसर किया है बेटा वो सही है या गलत है। हमें क्या करना है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स ऑपरेटिंग का आंसर प्लस इन्वेस्टिंग का आंसर प्लस फाइनेंसिंग का आंसर, और बेटा इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। मतलब ये है बेटा कि हमने ए प्लस बी प्लस सी क्या है, यानी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल किया, उसमें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भूल गया हो तो बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चार आइटम्स आते हैं, कैश इन हैंड, इसके अलावा कैश एट बैंक, इसके अलावा बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड द लास्ट करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट। अब मैं एक सवाल आप लोग से पूछूंगा, जरा जवाब देना। पहले तो एक बार देख लेते बेटा, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आंसर कितना कितना आया था। ऑपरेटिंग का आंसर वॉज 95,000, इन्वेस्टिंग का माइनस का 1,10,000, और बेटा फाइनेंसिंग का आया था 18,000। बेटा इसका टोटल करके बताओ कितना आएगा, प्लस का 95 प्लस का 18, 1,13,000, और ये आएगा आपका 3,000, राइट? ओके अब एक बात बताओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 15,000। मैंने इसमें ऐड कर दिया 15,000, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 18,000। अब एक बात बताओ, क्या क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वैल्यू 18,000 ही गिवन है? ओके, और हमारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग के इक्वल आ गया बेटा, हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। सब बच्चों को समझ में आया? अदिति, हिमांशु, जशन, कुशाग्र, मयंक, सुनेहा, सार्थक, शिविका, वैभव,
ओके, बाकी सबको वेरी गुड बेटा जी। चलो सेंस, अगर आप लोग को अभी अच्छा ये सबने नोट कर लिया है, आप लोग को प्रेजेंटेशन समझ में आई? ओके, अब इसी बात पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन अब आप लोग खुद से करेंगे। मेरे हिसाब से सब लोग को प्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर अच्छे से समझ में आ गई है, सो क्वेश्चन नंबर, अरे रुको एक सेकेंड, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा बेटा। एक बात बताओ, थोड़ा और जूम करें, क्या आप लोग को ये क्वेश्चन दिख जा रहा है बेटा? बेटा ये क्वेश्चन दिख जा रहा है आप लोग को? अगर बाय चांस ना दिखे ना बेटा, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे डबल क्लिक करना, वो अपने आप जूम हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 स्टार्ट करें बेटा इस बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43, इस बार मैं आप लोग की कोई हेल्प नहीं कर रहा, पहले आप लोग खुद से करेंगे। जल्दी करें बेटा, सबसे पहला काम आप लोगों को ये देखना है ये पर्टिकुलर आइटम कौन कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी, प्रोविजन फॉर टैक्स का बेटा देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिख रहा है, और जरा उसका नोट्स टू अकाउंट देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 32 और 28। तो बेटा प्रीवियस ईयर का बैलेंस हमेशा ऐड करते हैं, और जो करंट ईयर का बैलेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग के आंसर के बाद एज एन टैक्स पेड माइनस कर देंगे। चेक करो, हाँ सॉरी, करेंट ईयर का ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं। अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी, माय बैड।
मैं बताऊं आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो क्या चीज? कैसे बेटा, वहां पे तो सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस आएगा ना, और उसमें आपने वो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड किया होगा और प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर का बैलेंस ऐड किया होगा। हाँ, जनरल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अभी मैंने सॉल्व नहीं किया है इसलिए मुझे कंफर्म्ड आंसर नहीं पता क्या है। हाँ, आइटम सी क्लिक है बेटा। अच्छा, मुझे बताना पड़ेगा क्या? चलो, हो गया, वेरी गुड। अच्छा, पूरा हो गया, शाबाश। आंसर वो मैच कर गया, ओपनिंग कैश, शाबाश। और किसका हो गया? चलो 2-3 मिनट और देता हूं बेटा आप लोग को, कुशाग्र हो रहा है वैभव, अदिति, सुनेहा, शिविका हो रहा है, हिमांशु जी, सार्थक, मैं बताऊं, क्यों बच्चों, मैं बताऊं, चलो जी, ओके। तो इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं जरा। सबसे पहले तो फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो यहां पे है वही पर्टिकुलर्स। अब मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, फॉर्मेट आप लोग को अब समझ में आ ही गया होगा। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं बेटा। सबसे पहले चीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, ठीक है? अब ध्यान से सुनना बेटा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, उससे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट गिवन होता है। तो बेटा, नोट्स टू अकाउंट हमें देखना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताओ, नोट्स टू अकाउंट रिजर्व इन सरप्लस का है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का है और टैंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू का है। तो हम इन वैल्यूज को यहीं से कंसिडर करेंगे। आप अगर ऊपर बैलेंस शीट में देखो बेटा, तो रिजर्व इन सरप्लस प्रीवियस ईयर का 38,000 और करंट ईयर का 57,000 दिख रहा होगा। इसी चीज को अगर आप उसमें नोट्स टू अकाउंट में देखो तो इसकी दो कैटेगराइजेशन दे रखी है, हाँ या ना?
है बेटा, दे रखी है। चलो तो इसी चीज को फिर हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो सरप्लस, यानी सरप्लस का डिफरेंस दे रखा है, पहले 18,000 था, अभी 27 हो गया। तो बेटा इसका मतलब नेट प्रॉफिट आपके पास कितना आया होगा, 9,000। और उसमें हम क्या ऐड करते हैं बेटा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब एक बात बताओ बेटा, जनरल रिजर्व पहले 20,000 का था, अभी 30,000 का हो गया, तो 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, वो भी ऐड कर देंगे। ये चीज सबको समझ में आई बेटा, सबको समझ में आया? ओके, देन उसके बाद बेटा सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या आइटम्स ऐड करना है। हाँ, क्या आप लोग को प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के से रिलेटेड प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है? ओके, उसका बेटा करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का बैलेंस माइनस करते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं। तो हम इधर लिखेंगे बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स, और कौन से ईयर का, करंट ईयर का बैलेंस, जो कि कितना गिवन है, 32,000। ठीक है, देन इनटैंजिबल एसेट, जरा देखो बैलेंस शीट पे बेटा, इनटैंजिबल एसेट गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? बेटा जी, इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू और डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, और उसे भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 10,000 से ये भी हो गया। और कुछ बचा बच्चों? नहीं बचा है, ठीक है। अरे हाँ, थैंक यू बेटा जी। आप जरा लास्ट में देखो प्रपोज डिविडेंड के बने, और बेटा प्रपोज डिविडेंड का हमेशा कौन सा बैलेंस, प्रीवियस ईयर, बिल्कुल ठीक है। और प्रीवियस ईयर का बैलेंस इज 39,000, ठीक है, उसे भी हम ऐड करेंगे। सो प्रपोज डिविडेंड ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर, जो कि कितना दे रखा है, 39,000, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं, तो बेटे ये हमारा आ जाएगा कितना, इसको हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 प्लस 9 19, प्लस 32 51, प्लस 10 61, देन 9 71 लाख रुपीज। ओके, सारे बच्चों को ये चीज समझ में आ गई है? जल्दी बताएं सारे बच्चे। बेटा जी, सबको समझ में आया? ओके, अच्छा ओके, बस इतने ही बच्चों को समझ में आया? ओके, आ रहा है, अच्छा चलो भाई, ठीक है। देन बेटा इसके बाद अब जरा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। ट्रेड पेबल बेटा पहले 35 था, 53 हो गया, इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे? ओके, हम इसे मेंशन करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, और कितने से इंक्रीज हो गया भाई, 18,000 से, ठीक है। देन बेटा अदर करेंट लाइबिलिटी जो डिक्रीज हो रही है, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम यहां मेंशन करते हैं लेस डिक्रीज इन अदर करेंट लाइबिलिटी, वो भी कितने से, 2,000 से, ठीक है। इसके अलावा बेटा इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या करेंगे? बेटा इन्वेंटरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, ऐड। ओके, कितने से, पहले थी बेटा 57, अभी 39 18। ओके, देन बेटा ट्रेड रिसीवेबल पहले 75 का था, अभी 1,08,000 का हो गया, ऑब्वियसली माइनस करेंगे। कितने से इंक्रीज हुआ,
75 से 108 तो 33,000 से, ठीक है। और कुछ बचा? एक चीज बची है लास्ट में, टैक्स पेड माइनस करने का, तो हम उसे कैसे लिखेंगे बेटा? नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसमें से माइनस करेंगे बेटा टैक्स पेड, जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स में दिया होगा, करंट और प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ठीक है, जो कि कितना था? 28,000, ठीक है। अब ये बताओ बेटा कितना आ रही है? 18 प्लस 18 36, माइनस 35 1, 1,01,000 माइनस 28,000 कितना आएगा भाई? बच्चों कितना आएगा? 73,000, ठीक है। सारे बच्चे यहां तक क्लियर है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? बेटा सबको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आ गई? चलो हिमांशु, वैभव, कुशाग्र, ओके सार्थक, ओके ठीक है। अच्छा अब हम इसी के आगे कंटिन्यूशन बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर लेते हैं। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो हमारे पास क्या क्या है? टैंजिबल एसेट के भी दो इंफॉर्मेशन है नीचे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बेटा कम हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? परचेज और सेल, सेल तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कितने से सेल हो रहा है भाई? कहाँ गया? 57 और 1,10,000 हो, 53,000 से, ठीक है। एंड बेटा इसके बाद अगर आप नोटिस करो तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1,01,000 से तो इंक्रीज हो गई, इसको क्या करते हैं? लेस करते हैं। सो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000। एंड बेटा ऊपर देखना जरा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है, 10 से 35 हो गया, तो यानी 25,000 रुपए से परचेज हुआ है। सो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 25,000 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज तो देख के समझ में आ रहा है कि इसका आंसर माइनस में आएगा। अब जरा बताओ कितना आएगा? 73,000। अच्छा 1,26,000 माइनस 3,5, हाँ ठीक है 73,000 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है, वो भी माइनस का। अब हम जरा फाइनेंसिंग कर लेते हैं बेटा। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले तो शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो इश्यू बोलेंगे, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 से। सिंस हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं है, बट प्रपोज डिविडेंड हमने पे किया था, तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड क्या करेंगे यहां पर? लेस करेंगे। ध्यान रखना प्रपोज डिविडेंड का दोनों जगह पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का बैलेंस यूज होगा, विच इज 39,000। तो बेटा इसका आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, इसको हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हाँ बेटा ठीक है, ओके। हमने बेटा ऑपरेटिंग के आंसर को ए मान लिया, इन्वेस्टिंग को बी और फाइनेंसिंग को सी मान लिया। अब हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो बेटा प्लस का 73,000, माइनस का 73,000 और प्लस का 11,000, ऑब्वियस सी बात है आंसर 11 आएगा। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि किसके इक्वल आ जाना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के थ्रू, ठीक है। सो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना गिवन है? 17, ओके।
इसको आप ऐड करो, 28,000 आ रहा है। क्या आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी 28,000 ही गिवन है? चेक करो जरा क्वेश्चन में। ओके सो दैट मींस व्हाट कि हमने ये क्वेश्चन सही किया है। अब ये बताओ सारे बच्चों को समझ में आया?